दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सिविल इंजीनियर ग्रुप चलाता हूं, जिसका नाम है सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी, जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बीम होती है, छत की बीम होती है, उसमें मिस्टेक क्या होती है, क्या लोग मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका जब कभी अर्थक्वेक आता है तो तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि 7 बिग मिस्टेक्स इन RCC बीम। तो बीम में कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं? सबसे पहला मिस्टेक होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ, ताकि जिसको LD बोलते हैं आपका, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये हो गया, ये आपका इसमें से ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये भी कॉलम हो गया, ये बीम है, ये बीम है। इसमें होता ये है, जिसका हम सरिया ये ले जाते हैं, देख सकते हैं हम, ये स्टील बार लेके गए, इसमें जो ये मोड़ते हैं इसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, यानी कि LD बोलते हैं, ठीक है। ये हर एक कहीं कहीं होता है कि बीम में लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, और ये स्टील बार यहीं तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं तक, लेकिन ये गलत से होता है। आपको हमेशा स्टील बार ये यहाँ तक लाना चाहिए, ठीक है। और ये L शेप में होता है, आपका LD जो होता है वो L शेप में होता है। आपको डिजाइनर से ये डिपेंड करता है आपकी बीम की डेप्थ पर, बीम की डेप्थ कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है हम LD लेते हैं। जैसे बीम की डेप्थ कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम L लेते हैं कि इसका आपका L जो लेंगे वो कितना इंच रहेगा। वैसे मिनिमम 6 इंच लेना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होता है लैपिंग जोन, दूसरा आता है आपका लैपिंग जोन। आपका लैपिंग जोन क्या होना चाहिए, ठीक है। आप लैपिंग, क्योंकि अगर एक आप जानते हैं कि एक जो पूरी स्टील बार होती है उसकी 40 मीटर लेंथ होती है। अगर आपका 50 फिट लेंथ में अगर आपका करना है तो फिर आपको 10 फीट का उसमें लैपिंग जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको उसका एक तरीका होता है कि इसमें बॉटम और टॉप हम बताएंगे कि बॉटम में क्या होता है, टॉप में क्या होता है। बॉटम यानी कि ये वाली स्टील बार जब हम लेंगे, ठीक, तो ये हमारा होता है L/6 पे लिया जाता है, L/6 बॉटम में L/6 लेंथ पर। इसमें L क्या है आपका, L लेंथ है, ठीक है, L लेंथ है। आप कभी स्टील बार लेते हैं तो इसमें एक ऐसे रहता है, ठीक, और दूसरा वाला ऊपर से ऐसे आता है, ठीक, डाउन होकर थोड़ा सा ऐसे क्रैंक, जिसको बोल सकते हैं कि क्रैंक निकाला गया है। उसी तरह टॉप में हमारा L/2 पे लेते हैं, टॉप में, जैसे कि मान लीजिए L/2, इसका पूरे का L/2 यानी यहाँ पे, यानी कि टॉप का अगर आता है तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, लैपिंग जोन। अब तीसरा आपका होता है मिस्टेक, क्या होता है हमारा तीसरा, क्रिंग, ठीक, रिंग बैंड एंड हुक, ठीक है। रिंग बैंड आपका देखेंगे जैसे कि मान लीजिए ये कॉलम है, ठीक, ये कॉलम है, और ये आपका स्टील बार है जो कि हमारा वर्टिकल खड़ा है। इसमें जो हम रिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ले जाते हैं और ऐसे मिला देते हैं, और ये ऐसे रहता है, ठीक, जबकि ये गलत है। हमेशा कभी भी जो रिंग होता है वो आपका 135 डिग्री पर होना चाहिए, यानी कि ऐसे मुड़ा होना चाहिए 135 डिग्री, ठीक है। अब ये जो होता है ये क्या कहलाता है, ये हमारा हुक कहलाता है, हुक हमारा डिपेंड करता है डिग्री पे, ठीक है, कि किस डिग्री पे कितना हमारा होगा। अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे मोड़ रहे हैं तो हमारा 1D आएगा, 90 डिग्री पे मोड़ रहे हैं तो 2D आएगा, और 135 डिग्री पे मोड़ रहे हैं तो हमारा 3D आएगा, 3D वेयर जहाँ पे जो है D आपका डायमीटर ऑफ स्टील होता है,
डायमीटर ऑफ स्टील होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये है 3D, जैसे कि स्टील बार में रिंग में हम 8mm का सरिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, 8mm का सरिया यूज कर रहे हैं, और कितना 135 डिग्री का एंगल लिए हैं, 135 डिग्री का एंगल है, 135 डिग्री का एंगल, तो 3 × कितना 8, 3 × 8, और इसके बाद से हम ये देखते हैं कि कितनी बार मुड़ा है ये 3D, हाँ ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो आपका ये बढ़िया है 1D पे ये हमारा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 24 हो गया ये, और उसके बाद से ये 90 डिग्री पर मुड़े हैं, 1, 2, 3, 3, ठीक है। तो ऐसे हम करके बनाते हैं, इसका मिनिमम मिनिमम हुक लेंथ जो होता है, मिनिमम हुक लेंथ वो आपका 3 इंची होना चाहिए, 3 इंचेस, और कह सकते हैं इसको 3 इंचेस की 75 mm। अब हम चौथा लेते हैं आपका, क्या होता है चौथा, रिंग पोजीशन, चौथा होता है रिंग पोजीशन जैसे कि इसमें हम लेते हैं, जैसे रिंग पोजीशन बीम में जो हम डालते हैं, तो बीम में रिंग पोजीशन अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट का मतलब कि अगर एक का हुक लेफ्ट बीम के लेफ्ट में है तो दूसरे का हुक राइट में होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन, रिंग का पोजीशन जो होता है अल्टरनेट होना चाहिए हमेशा, ठीक है, बीम का पोजीशन हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। और अब बात करते हैं पांचवा, स्पेसर बार, स्पेसर बार का भी बहुत ध्यान दिया जाता है, स्पेसर बार मोस्टली यूज करते हैं हम जहाँ पर हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, स्पेसर बार मोस्टली यूज करते हैं एक्स्ट्रा बार, व्हेन एक्स्ट्रा बार प्रोवाइडेड इन बीम, जब हम किसी बीम में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं तो जो मेन बार है और एक्स्ट्रा बार है दोनों के बीच में एक हम सरिया डाल देते हैं जिसका डायमीटर डाया ऑफ स्पेसर बार 20 mm और 25 mm, 20 mm या 25 mm का होना चाहिए, जिससे कि मेन बार और एक्स्ट्रा बार के बीच में आपका गैप रहे, ठीक है। छठा आपका होता है कवर ब्लॉक, ये भी ये बीम कहीं नहीं, स्लैब हो, बीम हो या कॉलम हो, कोई भी चीज़ है, कोई भी कंक्रीटिंग वर्क है जो RCC वर्क है उसमें हमें कवर ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि कवर ब्लॉक लगाने से हमारी जो कंक्रीटिंग होती है वो पूरे आपकी शटरिंग तक पहुंचती है और आपका स्टील बाहर दिखाई नहीं देता है, हनीकॉम्बिंग नहीं होती है। कवर ब्लॉक जो होता है मिनिमम 25 mm का होना चाहिए कवर ब्लॉक, ठीक, और इट्स सेफ फ्रॉम हनीकॉम्बिंग, ठीक है, ये हनीकॉम्बिंग समय बचाता है, हनीकॉम्बिंग से फिर मान लीजिए हमारा जो है स्टील बाहर नहीं दिखता है हमारा, मतलब कि कवर ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बिल्डिंग में। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है हमारा, लास्ट पॉइंट का वैसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, लेकिन जो मेन मिस्टेक्स हैं, मेनली मिस्टेक्स होती हैं और जो अक्सर हुआ करती हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो कवर ब्लॉक हो गया आपका, बाइंडिंग वायर, ठीक है, बाइंडिंग वायर भी हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बाइंडिंग वायर भी दो टाइप के लोग बांधते हैं, एक सिंगल और एक डबल, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आप जब छत बनवा रहे हैं तो बीम में मोस्टली डबल ही बनवाएं, ठीक है, डबल बाइंडिंग वायर भी बांधने का एक तरीका होता है, ठीक। और बाइंडिंग वायर कुछ लेबर ऐसे करते हैं, ठीक है, समय बचत करने के चक्कर में कि ऊपर बांध देते हैं, ऊपर वाले स्टील में बांध देते हैं, नीचे नहीं बांधते हैं, बीम के नीचे वाले पोजीशन में, यानी कि बॉटम में नहीं बांधते हैं, टॉप में बांध देते हैं, ठीक है।
इससे क्या होता है कि आपका जो है स्टील बार जो है, स्टील बार सॉरी रिंग जो होता है आपका, रिंग होता है वो आपका नीचे से एक पास में आ जाते हैं, ऊपर का एक साइड में रहता है, और जब वाइब्रेटर चलाते हैं तो वो टूटने का भी डर रहता है, अपना पोजीशन जो उनका पोजीशन होता है वो अपने पोजीशन से हट जाते हैं। तो बाइंडिंग वायर भी ऑल्सो चेक इट, ठीक है, हमेशा बाइंडिंग वायर भी चेक करना चाहिए। ओके एंड थैंक यू फ्रेंड्स, और आप लोग मेरे चैनल को, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल है सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी, फुल इंजीनियर अभिषेक त्यागी, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर दैट।